हाय गाइस, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ ओप्पो की ओर से A77, जिसके मैं फुल हिडन फीचर्स के बारे में बात करूंगा। आपको ये फोन में क्या क्या हिडन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं, आइकॉन के अंदर क्या होगा कि आपका जो आइकॉन है उसका साइज जो है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अलर्ट प्लस आइकॉन, इसके अंदर क्या होगा कि जो आइकॉन की जो अंडरलाइन है उसे आप डार्क कर सकते हो, थोड़ा इसे बड़ा भी कर सकते हो। काफी कमाल का फीचर्स आप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आपको नीचे की ओर मिल जाता है ऐप नेम, उसकी जो है ऐप नेम के फॉन्ट को आप जो है बड़ा कर सकते हैं। जिसे जैसे देख सकते हो आप, मैं इसे लार्ज कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये कैसा चाहते हैं। जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं वो मिल जाता है लेआउट। लेआउट के अंदर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 3x5, 3x6, 4x5, 4x6, 5x5, 5x6, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मोड अलग अलग यहाँ पे लेआउट में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं ट्रांसलेशन, इसके अंदर भी आपको रोलर, क्यूब, फ्लिप आपके हिसाब से अभी आप डिफॉल्ट करके आपके हिसाब से सेटिंग कर पाएंगे। उसके बाद मोड के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो तीन तरह की अलग अलग सेटिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहला जो ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन मोड, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड मोड एंड ड्रावर। स्टैंडर्ड मोड में क्या होता है कि सारे एप्लीकेशन जो है आपको पूरे एप्लीकेशन जो है फ्रंट के ऊपर शो होने लगेंगे। इसी तरह से आपको अगर आप ड्रावर मोड में जाते हैं तो ड्रावर मोड में क्या होगा कि आपके जो है एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन स्क्रॉल करने के बाद आपको सारे एप्लीकेशन शो होंगे। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं लॉक होम स्क्रीन लेआउट, इसके अंदर क्या होगा कि जब भी आप कोई सा भी एप्लीकेशन को मूव कराना चाहते हैं तो ये नहीं करा पाएंगे अगर आपका फ़ोन का जो लेआउट के लॉक हो तो। अगर उसे आपको इन्हें अनलॉक करना है तो आप इजीली यहाँ से अनलॉक करके कोई सा भी एप्लीकेशन को मूवमेंट करा पाएंगे। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। नीचे की ओर चले जाते हैं तो आपको स्विप डाउन टू होम स्क्रीन, ये गूगल सर्च या नोटिफिकेशन ड्रॉवर, इसके अंदर भी आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ चाहते हैं, कि आप कौन सा फंक्शन चाहते हैं, नोटिफिकेशन ड्रॉवर या गूगल सर्च। तो मैं अभी नोटिफिकेशन ड्रॉवर कर देता हूँ, तो यहाँ से भी मैं अगर डाउन करूँगा तो अपने जो शटर है वो डाउन हो जाएगा। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ ऑप्शन आता था होम लॉक स्क्रीन, इसके अंदर क्या होगा रेस टू वेकअप, डबल टैप टू फोन ऑन ऑफ, इसके अंदर ये होता है कि जब भी फोन को हाथ लगाओगे तो फोन आपका ऑन हो जाएगा। उसके अंदर डबल टैप टू वेकअप, ये भी वही है डबल टैप टू ऑफ और अनलॉक, तो ये भी वही सिस्टम है, दोनों तरफ से आप इसे इनेबल और ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं क्लॉक स्टाइल, इसके अंदर क्या होगा कि दो तरह का आपको क्लॉक देखने को मिलता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ये आपको यहाँ पे आपको ये सेटिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे की ओर आप जाएंगे तो सिस्टम नेविगेशन, इसके अंदर भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। आप बैक बटन को इस तरफ या इस तरफ दोनों तरफ आप कर सकते हो, लेफ्ट राइट दोनों तरफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से गेस्चर मोड, आपको गेस्चर के अंदर क्या होगा कि जब भी आपको बैक बटन या वाइब्रेशन नेविगेशन या मतलब ये भी अलग अलग तरह का आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आपको सिखाएगा कि बैक बटन कैसे बैक यूज़ करते हैं, ये आपको ट्रेन करेगा, उसके बाद आप ये यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जब बैक करना हो तो इस तरफ या इस तरफ दोनों तरफ से आप बैक इजीली कर पाएंगे। इसी तरह से आप होम स्क्रीन करेंगे और सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ से रिमूव भी कर पाएंगे। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह से हम चले जाते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर, फ़ोन की सेटिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे जो है फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ डिजिटल वेलबिंग के अंदर, इसके अंदर भी आपको ये जो है काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल वेलबिंग के अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर आपको ये बताएगा ये फ़ोन कितने मिनट तक यूज़ किया है, कितनी बार लॉक हुआ है और कितने नोटिफिकेशन आपको रिसीव हुए हैं। ये काफ़ी कमाल का डेस्कटॉप है, इसके अंदर आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप फ़ोन को कितने टाइम तक कितने मिनट तक यूज़ करते हो, तो यहाँ से आप ये कंट्रोल कर पाएंगे। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको हर फोन में देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आपको बेड टाइम मोड और एक फोकस मोड, फोकस मोड में क्या होगा कि जो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, उसमें आप फोकस मोड को इनेबल कर देंगे तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ये भी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह मैंने अभी कैमरे पर डिस्ट्रैक्ट मोड लगाया, तो मैं इसे जब भी मैं कैमरा को ऑन करूँगा तो मेरा जो है मैं उसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो ये आपको टर्न ऑन कर देना, उसके बाद आप कैमरे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर के अंदर चले जाते हैं स्पेशल फीचर, इसके अंदर स्पेशल फीचर का एक कमाल का फीचर दिया गया है, इसमें सारे एप्लीकेशन को जो है इन लोगों ने कवर किया है। इसके अंदर सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन, इसके अंदर क्या होगा कि आप 3 बटन से भी स्क्रीन हाफ स्क्रीन कर सकते हो और आप
एक और ऑप्शन है कि आप ये बटन से भी आपको हाफ स्क्रीन कर पाओगे। तो ये दो एप्लीकेशन आप एक साथ पे जो है वर्क कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं फिलहाल ही एल्बम ओपन करता हूँ, मैं दो एप्लीकेशन को साथ में जो है वर्क कर पाऊंगा। तो एक काफ़ी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर जो है देखने को मिलता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, स्मार्ट स्लाइड बार। इसके अंदर क्या होगा कि आप स्मार्ट स्लाइड बार यूज़ कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको अलग अलग, जैसे ये आ चुका है, इसके अंदर आप अलग अलग यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप जो जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हो उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको ये फ़ोन के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आप काफ़ी सारे एप्लीकेशन या आप जो डेली यूज़ का जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, किड सेफ। इसके अंदर क्या होगा कि आप जब भी बच्चे को फ़ोन देते हो तो आप ये किड मोड में इंटर करके देते हो तो वो कुछ ई एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से सिंपल मोड, इसके अंदर भी ये होगा जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो मोबाइल तो आप इंटर सिंपल मोड में चले जाएंगे, तो आपका जो मोबाइल है वो बेसिक बहुत सिंपल जो है लुक में और गेटअप में आने लगेगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा सिंपल से ये यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको यहाँ पर ये फ़ोन के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, एप्स में चले जाते हैं। एप्स के अंदर आपको नीचे क्यों मिल जाता है डिफॉल्ट एप्स। इसके अंदर क्या करना है कि जो भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसको डिफॉल्ट में सेट कर देते हैं। ब्राउजर ऐप, इसके अंदर आप हमेशा क्रोम ही सिलेक्ट करें, इंटरनेट ना करें। उसके बाद इस नीचे की ओर आपको मिल जाता है होम स्क्रीन या फोन ऐप, इसके अंदर भी आपके हिसाब से आप डिफॉल्ट जो है वही यूज़ करें। नीचे की ओर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ऐप क्लाउनर। इसके अंदर क्या होगा कि आप दो एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, ये डबल आपके एक ही फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। दो व्हाट्सअप आप दो फेसबुक और दो स्नैपचैट एक ही साथ चला पाएंगे। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपके अंदर यह फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार। इसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि आपको कौन से नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन, बैनर या ये आपके हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाएंगे। स्टेटस बार की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको नोटिफिकेशन आइकॉन और बैटरी स्टाइल और ये बैटरी परसेंटेज या बैटरी परसेंटेज को आपको इनेबल करके रखना है। क्योंकि क्या होता है कि अभी जब नया फ़ोन लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप बैटरी परसेंट कितना है, तो ये आप आपके हिसाब से अलग अलग तरह के स्टाइल आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या आप दोनों या आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपके हिसाब से आप हॉरिजॉन्टल ही सबसे बेस्ट होता तो यही ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, सिस्टम सेटिंग। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको सेटिंग बोल देखने को मिलती है जिसके अंदर आप बैक बटन, रिसेंट टास्क और आप होम स्क्रीन तीनों को आप कस्टमाइज़ करते हैं। अभी जो मैं फिलहाल जो है बैक बटन को कस्टमाइज़ करके रखा है, तो ये आप देख सकते हो, ये आप बैक यहाँ से कर पाएंगे। उसी तरह से नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है गेस्चर एंड मोशन। इसके अंदर क्या होगा कि आप थ्री फिंगरप्रिंट स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर मिलेगा रेस्ट टू वॉकअप। इसके अंदर क्या होगा कि डबल टैप करोगे तो आपको फ़ोन जो है इनेबल एक्टिव हो जाएगा। और रेस्ट टू वॉकअप में क्या होगा कि जब भी आप फ़ोन हाथ लगाओगे तो आपको फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। नीचे की ओर आपको मिलेगा लेफ्ट टू केयर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब भी आप कोई का कॉल आएगा ना आप कान के पास ले जाओगे तो आपको फ़ोन जो है रिसीव हो जाएगा। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपके फ़ोन में देखने को मिलता है। इसके बाद फ्लिप म्यूट इनकमिंग कॉल। इसको फ्लिप करने के आपका जो है कॉल है इनकमिंग कॉल जो है म्यूट हो जाएगा। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जब नीचे के ऑप्शन आपको मिलता है वन हैंडेड मोड। इसके अंदर क्या होगा कि आप वन हैंड से फ़ोन को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। अभी फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि तीन बटन में नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसके कारण ये कस्टमाइज़ यहाँ से नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, पावर बटन। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पावर मेनू और ये वॉइस असिस्टेंट। इसके अंदर आपको पावर मेनू सिलेक्ट करके रखना है। जब भी आप पावर ऑफ करने जाओ तो आपको ये पावर का जो मेनू शो होने लगे, क्योंकि ये क्या होता है कि अभी के फ़ोनों में वॉइस असिस्टेंट शो होने लगता है, तो ये आप यहाँ से सेटिंग में से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी आपको जो बता चुका हूँ। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसके अंदर जो भी आप फ़ोन में चलाते हो तो ये पूरा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन साउंड भी कर सकते हो, आप हेडफोन लगा के आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर जो है डिफरेंट क्वालिटी की बात करते हो तो हाई, मीडियम और लो क्वालिटी, आप तीनों क्वालिटी के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। नीचे की ओर चले जाते हैं तो आपको नीचे की ओर OTG कनेक्शन। जब भी आप OTG कनेक्शन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ OTG ऑन करना पड़ता है, 10 मिनट तक चालू होता है जब भी आप यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।